सो ये हिमाचल के रिचुअल्स होते हैं, तो वो बर्थडे पे किए जाते हैं। फिर यहाँ पूजा करेंगे और उसके बाद मंदिर भी जाना है भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने। चलो पहले फूंक मारते हैं। गाना नहीं गाया किसी ने अभी तक, बाहर खड़ा के रखा है और अंदर म्यूजिक सेलेक्ट हो रहा है कौन सा एंट्री पे बजाए। एक तो पहले ही इहदा सिर वड्डा, उत्तों तो गंजा हो गया, होर गोल जिहा लगी जा रहा। जिंदगी में नहीं है सुकून, लेकिन अभी हमें चाहिए सुकून। क्या बात है, तालियां तालियां। ये देखो ये दूफ लाया। स्मेल आते मेरे से नहीं नहीं फुटबॉलर बन जाऊं। ठीक है मैं डांस छोड़ दूंगा फुटबॉलर आज से, सिर्फ ये एक अच्छे के कारण। हेलो बाल आए कदों, बाल बाल आए कदों, पीछे हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डी राइट। सो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान हर हर महादेव। सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया, आज आपके भाई का हैप्पी वाला बर्थडे है। एंड आज का दिन कैसा निकलता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सारा आपको दिखाएंगे व्लॉग में, एंड तक बने रहना। फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे, एंड आपको पता है सेलिब्रेशन रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल अभी तो 11 बज चुके हैं, 11:30 हो गए, हाँ 11:30 हो गए, 11:30 हो चुके हैं। एंड क्लासेस वगैरह होती है सुबह, शेड्यूल अगर आप लोग देखते हो तो मैं बताता ही रहता हूँ कि क्लासेस वगैरह होती है, वो फ्री हो के देन अभी घर आया हूँ। एंड रात को कॉल्स आने शुरू हो गए थे, खुशी ये होती है कि जो आपके स्टूडेंट हैं ना जो फॉरेन चले गए वो भी आपको याद रखते हैं, एंड पूरे 12 बजे आपको कॉल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो मोहित जो था अपना कैमरा मैन, मेरा स्टूडेंट और सारा हमारा कैंप्स वगैरह संभालता था, अभी फ़िलहाल वो कैनेडा में है, वहाँ पर अच्छा काम कर रहा है। रात को भाई 2:30 बजे थे उसके वहाँ पे, एंड बोलता अलार्म लगा के सोया था मैं, और पूरे 12 बजे कॉल आया। सो अच्छा लगता है ऐसे लोग जब आपको याद रखते हैं दूर होने के बाद भी, तो अच्छा था, मज़ा आया रात को। एंड और अच्छी बात दूसरी ये थी कि रात को एक सरप्राइज़ केक था जो कि मोनिका की तरफ से था, पता नहीं कब लाई कब उन्होंने छुपाया, एंड रात को 12 बजे वो केक कट किया। आपको अभी फ़ोटोज़ वगैरह उसकी शो हो रही होंगी, केक बहुत ज़्यादा बढ़िया था, टेस्टी था। तो ऑलमोस्ट आधा तो रात को ही हम लोग ख़त्म कर गए, एंड फिलहाल अभी घर पे आके नहा के रेडी हो चुका हूँ। एंड अपने 2-3 काम है आज के दिन के जो सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, पहले मिलवा देता हूँ आपको। ये देखो चुटकी सोई है, हाँ भाई। सो ये हमारी क्यूटी सी, इसका नाम है छवि, देखो हेलो कर रही है। छवि हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, और मैं प्यार से इसको लड्डू बोलता, लड्डू मेरा, हेलो कर दो सबको भाई। कैमरा आ जाए ना इसके सामने, कैमरा आ जाए ना तो कैमरा को इतना ध्यान से देखती रहेगी ना, बस फिर चुप कर जाएगी और ध्यान से, मतलब अभी कितनी है 5 months की है और इसको पता है ये फ़ोन है, और अभी से देखो बच्चों का ध्यान फ़ोन पे ही होता है, और अभी मेरी शक्ल नहीं देख रही, मैंने ऐसे कैमरा पकड़ा और उसको देखी जा रही है। हाँ छवि, ओए ओए स्माइल कर दे, स्माइल स्माइल करके दिखा दे सबको, और देखो खेलना शुरू होगी। अच्छा स्माइल करके दिखा दो लड्डू, ओए लड्डू ओए स्माइल करके दिखा दे, नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी कर रही है। अरे बापू साडा, दादा जी बैठे हैं आराम से, खिलाओ दादा जी खिलाओ। और देखो चूल्हा देके, एंड जब मैं घर पे आ जाता हूँ ना, ये मैडम सोती नहीं है, गर्मी देखो कितनी हुई पड़ी है, नहा के आए पसीना आ ही जा रहा है, और सितंबर के इन महीनों में ना गर्मी बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी, रात को कई बार कंबल ओढ़ के सोना पड़ता था, बट अभी कुछ नहीं है, अभी भी भाई एसी चल रहे हैं। एंड ये चल रही कुछ तैयारी, हाँ जी हाँ जी मैडम कैसे हो, क्या कर रहे हो, हलवा बना रहे हैं। ये मैडम शर्मांदी बड़ा, एक मेरी माता उठो की कर रही, पूजा की तैयारी, केड़ी पूजा है, बर्थडे की पूजा, बर्थडे की पूजा। ये हिमाचल का हमारे रिवाज है,
कुल देवता है की कहते पूजा नु है जन्म दी ब्याई पूजनी। सो ये हिमाचल के रिचुअल्स होते हैं तो वो बर्थडे पे किए जाते हैं। फिर यहाँ पूजा करेंगे और उसके बाद मंदिर भी जाना है भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने। मतलब हर बर्थडे पे मैं भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेके ही दिन स्टार्ट करता हूँ। आज फिलहाल दिन स्टार्ट हो चुका है लेकिन आशीर्वाद लेंगे क्योंकि नहा के ही जाना था यार। सो सुबह ऐसे होता है जल्दी क्लासेस होती है, रात को नहा के सो जाते हैं, सुबह ड्रेस पहनते हैं, निकलते क्लासेस लगाते हैं, ऐसा शेड्यूल हो जाता है। फिर आके नहाता हूँ मैं, सो भी नहा के अभी मंदिर वगैरह जाऊँगा। फिलहाल ये पूजा भी करेंगे, टाइम लगना था मैं मंदिर जाया ना, फिर 12 बजे तो बाद जल नहीं ना फिर चढ़ा सकते। 12 बजे तो बाद एक नहीं ना पूजे देते हैं। अच्छा चलो ये जरूरी है। बाकी देखो अपने कुल देवताओं को पूज लिया आपने, वो पूजा सबसे बड़ी होती है एंड भोलेनाथ तो अपने ही है। एंड ये हमारे घर पे छोटा सा बना हुआ मंदिर और ये माता रानी जी बैठे हैं। सो आशीर्वाद लेना आज सबका। ये क्या बना? अच्छा आटा। मैं कहा बड़ी फास्ट स्पीड है, हलवा बन के भी आ गया। अच्छा सैंडी तू मैनू हैप्पी बर्थडे नहीं विश किया है? जब मैं आया था तब भाग भाग के आई थी मिलने के लिए, मुझे लगा हैप्पी बर्थडे बोलने लगी। हैप्पी हो जाए बाबू, बोल हैप्पी बर्थडे नहीं क्या तू संडे? रेख मैडम आ बैठे, आ देखो टफी तू नहीं क्या हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। देखो कैसे बैठी देख रही है। यदि खाने पीने की बात करो, कोई और बात मत करो। ये देखो इसको मैं उठा के ले आया हूँ मम्मी के पास। रो रही थी मैडम। हाँ वे लड्डू इधर देख, आ देख छवी, आ देख ओए ओए, उधर देख रही है कि की रखा है छवी, आ देख। नहीं देखना है, देखो नहीं देखना। इस टाइम वो नवी चीज देख रही है की रखा है सारा कुछ। देख लिया मैडम? ओए छवी जय कर रहा है, ये लड्डू जय कर रहा। सुनो जी घर पे हो गई पूजा, आशीर्वाद ले लिया बड़े बड़े रहा ना कुल देवी देवता का। एंड हाँ साढ़े बुढ़े की वारी है, तुम किधर जा रहे? कहीं नहीं मत्था टेकया? चलो मत्था टेको, तुम नहीं टेकया? घर वाले का वेट हो रहा कि घर वाले का वेट हो रहा, आने वाला ही अभी। चलो कोई ना, आ देखो कल्ली लगी खेडन। हाँ बाहर होने तो दंद निकल रहे हैं, जेडी चीज मिल जाए मुँह च पान लग जाती। आ देखो लाइव डेमो दिना मैं, वो देखो नाले ही मुँह च। हाँ वे की करता मैं तू? लो जी बापू जी पैसे लेके आए चढ़ाने लिए पूरे लेट के। चलो मैं फिर मंदिर जाके आया। सुनो जी मंदिर आ चुके हैं भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए। एंड दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे और फल चढ़ाएंगे। लो जी अभी टाइम हो चुका है दोपहर का, बज चुके हैं 2 एंड नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, मंदिर जाया था, दर्शन कर लिए थे भोलेनाथ के, मैंने आपको सारा दिखा दिया। एंड अभी अपना आ चुका है सेकंड केक जो कि साबी जी लेके आए हैं, और देखो घूम रहा है। हाँ भी कटिए? यस ब्रो। चलो पहले फूक मारते हैं। गाना नहीं गाया किसी ने?
थैंक यू। वो भी उठ गया, लड्डू भी उठ गया। चला दो हुण पंखा, चला दो। कैंडल्स जलानी थी इसलिए पंखा वगैरह सब बंद किया था, गर्मी में उठ गई मैडम। इनू नहीं गर्मी सहन होंगी माड़ी जी भी। ओए लड्डू केक खाएगा, केक खाएगा? अजे भी नींद ची है, देख अख देख देख कि रही। चलो जी केक कटिए फिर। तूने थोड़ी खाना केक, उन्हें रोन लग जाना कि मैंने केक नहीं खाया। नहीं खाया। तो फाइनली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अभी मैं निकल चुका हूँ अकेडमी की ओर। एंड सीन पता क्या है, बच्चों के फोन आ रहे सर अभी मत आओ अभी मत आओ। इसका सीधा सा मतलब यही है कि उन लोगों ने सरप्राइज प्लान किया हुआ है एंड डेकोरेशन कर रहे हैं। तो बाकी जाके देखते हैं क्या सीन है एंड सारा मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डेकोरेशन किया है एंड कौन कौन आ रहा है। और मुझे पता है पुराने बंदे भी, पुराने स्टूडेंट भी आ रहे हैं पक्का। सलोजी अकेडमी तो पहुंच गए, इन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ, सरप्राइज मे भी। अंदर से बाहर ही रुक जाओ। अभी तक बाहर खड़ा के रखा है और अंदर म्यूजिक सेलेक्ट हो रहा है कौन से एंट्री पे बजाए। हेलो सर। हेलो। जाओ ये देखो। क्या हाल है, अबे हो तो गया ही था। अंधेरा किया हुआ, लाइट लुइट जगा लो, जगा दो लाइट। बैग बैग उठा दे। बाद में आज तक इनसे पॉपर फटा कोई? जाओ ये। हाँ भी कुशल सारे पहुंचे हो यार। देखो वो तेनू क्यों गया, तेरा मुंडन किन्ने करता? लो जी ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। लो जी ये सेटअप लगाया हुआ है। दौर जी साइकिल है, बैठ जा। सो जी ये देख लो, ये लगा रखा है सेटअप जो कि मैं रास्ते में बात कर रहा था। एंड बड़े बड़े महारथी पहुंचे हैं, जैसे ये देखो डोरजे शेरपा फिलहाल मुंडन करवा के आया हुआ है। कुशल तू कुशल मंगल तो ठीक है पर तू दिनों दिन लंबा ही हो जा रहा है। शिवजी की कृपा शिवजी ने अपने कोल ही पचा लेना, तेरा मुंह मिल लगता हौली हौली, इन्ना लंबा हो जा रहा है। नाले कृपा तो आपे ही होनी है, शिवजी के मुंडे नू तो हर साल घरे ले आंदे है। हर साल शिवजी का मुंडा इन्होंने घरे आंदा गणेश जी। ये कहती कि शाबाश, इतना ब्रिलियंट माइंड है। आ देख गणेश जी, सॉरी नंदी, नंदी तेरे सिंह का है। लड़ाई होती है फिर सिंह निकलते हैं। इन इंसान के बारे में कोई कमेंट करना, लद्दाख के बाद ये आप लोग सोच रहे होंगे ना हमें लद्दाख के बाद अब दिखा, ये हमें भी लद्दाख के बाद अभी दिखा। बस एक इसने करा है लद्दाख और उसके बाद ना ये फेमस यूट्यूबर बन चुका है। अभी लाखों में अर्निंग हो रही है, हमारे पास आने का टाइम नहीं होता, घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और इतना पैसा आ गया। देखो गंजा भी हो गया, आपने सुना है ना कि जिन लोगों के पास पैसा होता है वो गंजे होते हैं। ये देख लो लाइव एग्जाम्पल। क्या बात है डोरजे, की करता हूं ना, पैसा छाप रहा कि नहीं दिन रहा, सही दस। अच्छा देखिया छाप रहा। और कुशल तू की कर रहा है? अच्छा रट्टा मार के आया सी,
पूरा रट्टा मारे, पता ही नहीं लग रहा है एसी चल रहा है, इतनी गर्मी है बाहर तो, इतनी ज्यादा गर्मी है ना। ये मेरी सुबह की चौथी टी शर्ट चेंज हो गई, इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है। हाँ दो तीन दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ डाल लिया। और ये देखो इसके बारे में नहीं, पहले ये बता देता हूँ कि ये मैडम ने दिया गिफ्ट और इसके बारे में यही अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। हाँ जी मैडम बताइए ये क्या। मुझे भी नहीं पता। कर दी लस्सी। मैंने देखा था कि पाइराइट जो है वो मनी अबंडेंस का होता है, अट्रैक्शन का। हाँ तो मैंने सब जगह से रिसर्च करके फिर मंगवाया ये ओरिजिनल पाइराइट का। ये ओरिजिनल पाइराइट का है, है ना, मनी अट्रैक्शन का है। मनी अट्रैक्शन का है, बस आप ये देख लो आज मैंने पहन लिया और थोड़े दिनों तक पैसा ही पैसा होगा। मतलब इतना पैसा आ जाएगा ना सारी अकेडमी भर जाएगी। होती होंगी ऐसी चीजें तभी लोग बोलते हैं। और चलो विश्वास होता है कि विश्वास के उस पे क्या, विश्वास के विश्वास पे हम लोगों ने पहन लिया है ना। चलो और वैसे भी मेरे को ना कुछ ऐसा लेना था, मैं इसको बोल ही रहा था मैडम को, मैं कह यार कोई, मैं इसको बोल ही रहा था कुछ ऐसा यूनिक सा गले के लिए चाहिए तो ये ले ही आई। मैं कहा चलो कुछ यूनिक चीज भी है, हैवी तो इतना खास नहीं, मुझे लगा था हैवी होगा गले में पहनने में दिक्कत आएगी, ठीक है उतना नहीं पता नहीं लग रहा। चलो जी फिर इनसे थोड़ी देर करते हैं बातें, बाकियों का करते हैं इंतजार, जैसे जैसे बाकी आते जाएंगे आपको मिलाते जाएंगे। ये मैडम लेके आई मेरे लिए टी शर्ट और कहती वही पहननी है। ओहो हो हो हो, ये किसका है, ये मेरा है, क्या बात है, बैगी जीन कार्गोस। हाँ बट वो बैगी है, खुली वाली है ना, ये बैगी होती है। हाँ जिद्दा तू, तू तो आप ही बैगी है, मतलब तेरे है जैसे कपड़े हो तो उनको बैगी बोलते है। पापा तो सही है ना, इन्होंने सारे रिश्तेदार सब दे कपड़े इको जी आ जाते, सारे इन्हों के मोटे मोटे। ये क्या है साड़ी, यार ऐसी ना वाइट टी शर्ट जो बर्थडे पे नहीं एक पे दी थी वो मिल ही नहीं रही, कहाँ गई पता नहीं कहाँ गई वो। नहीं मैं तो अपनी तरफ से दो टैचियां लगाई हैं, संभाल के रखे कपड़े मिलते ही नहीं कहाँ गए। ये भी पानी है, है? और रहन दे पजामा ठीक है, एबी बास पाया, एबी बास डाला हुआ डोर जे क्यों तू मेरे सामने ना, तेन देख के आसा ही जा रहा है मेनू। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਲ ਢੰਗ ਦੇ ਕਟਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਟਿੰਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਂਚੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਕੀਰ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਬ ਮੈਂ ਨੌਨਾ ਸਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਕੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟੀ। तो आज फिर ब्लैक पहन के आ गई, चल निकल चल निकल। चलो जी रेडी हो चुके हैं, फिर एक्शन लेते कैसे लग रहे हैं। चलो जी नोडा रेडी हो गया, ठीक लग रहा है सर, बस अच्छी है अब बढ़िया। चल 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 चल, कपड़े पहने नहीं मांगने वाले पहले आ गए, मस्त लग रहे ना। मतलब ये तो चलो अपने आपको पता है डांसरों की फेवरेट चीज है ना बैगी, इतनी ज्यादा मस्त लग रही है। और शूज मेरे को वैसे ही लेने थे, सारा कुछ ले आई। थैंक यू सो मच मोनिका मैडम, वेलकम। शॉर्ट्स डाल लेंगे बड़े मस्त लगेंगे, बट आप रैंडम करोगे नहीं ना, रैंडम में भी एक्टिंग करनी, रैंडम में भी। हां सर हां समझ गया मैं, कोई बात नहीं वो आएंगे सारे बना लेंगे। नहीं मैं थोड़ा सा नेचुरल पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग्स भी होते हैं, आ रहा है वो रास्ते में। मेरे व्लॉग्स जो होते हैं मेरे को ये होता है कि जो नेचुरल हम लोग कर रहे हैं ना वही दिखाए, कुछ स्क्रिप्टेड सा ना हो और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं हमारे व्लॉग देखे कि कुछ स्क्रिप्टेड है। क्यों भी क्वेश्चन देखे थे व्लॉग तुमने, 100% चल ठीक है। लंबा कितना भरावा तो इसी बराबर पहुंच गया, 6 फुट का, मेरे तो 1 इंच ज्यादा है ना, मैं 5'11" 6 फुट दो गाना में गाना बनाया काफी 6 फुट दो। एक तो पहले ही इहदा सिर वड्डा, उत्तों तो गंजा हो गया, होर गोल जा लगी जा रहा। लो जी लो, दो बंदे रह गए थे। ये देखो तारीफ हो रही मेरी, बढ़िया थी ना वो। ओए होए मलाई कोटे, मलाई कोटे,
मैं ना मूवी देखने शुरू की थी, वो मूवी च ज्यादातर दूरों ही व्यू दिखाई जा रहे थे, बंदे ना जा रहे हैं रेगिस्तान च, अद्धी तो ज्यादा फिल्म रेगिस्तान च, पहलवानी ते सीगी, बहुत वधिया, रात नू टाइम खराब होया बहुत वधिया, उत्तों दी देख फिल्म खत्म भी नहीं हुई, एंड च आ गया वेट फॉर पार्ट टू। मैं कहा मिल इहदा असीं पार्ट टू दा वेट करांगे, इहदा पार्ट वन मजा मंगाई, मतलब ठीक ही, बस ना उहदे च कोई म्यूजिक था मतलब बजट ज्यादा घट सीगा मूवी दा। चलो कोई नी, ये अपने दो बंदे और आ चुके हैं, मुकेश दा डिलीवरी बॉय एंड कोहिनूर, कोहिनूर कोहिनूर कोहिनूर, वो वाला नहीं है, ये सस्ते वाला कोहिनूर है भरावा, हिंदी बोलता किदां दा लग रहा ना, ये इदा लग रहा कि मंक आया साडे विच, कोई पंजाबी बोलदा जीव जा रहा है उत्थे, ओ रब्बा उत्थे एडा तगड़ा सीन होया ना लद्दाख च, इन्हें बंदे मुरे जाके पंजाबी बोलती, ओदा मुंह खुला रह गया, डोरजे कहंदा कहंदा ओ शिट, डोरजे कहंदा की होया, कहंदा यार जो तू आया ना मैनू लग्या कोई फॉरनर है, इंग्लिश च गल करूगा, कहंदा इंग्लिश छड्ड हिंदी छड्ड, तू तां डायरेक्ट ही पंजाबी च हो गया। लो जी शुभ मुहूर्त आ चुका है केक कटिंग का, एंड इनको हर बार वैसे बोलता हूँ केक ज़्यादा मत लाया करो क्योंकि ख़राब जाते हैं, तीन केक आ चुके हैं, दो तीन बंदे और आ रहे हैं, वो भी केक ना ले आए, वैसे मैंने उनको बोल दिया केक मत लेके आना। चलो जी एक केक कौन कुशल लेके आया है, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस केक, चॉकलेट केक। Let's go sir, happy birthday to you. मैं डर गया, केक तो देख, और आप ये केक देख सकते हैं क्या। हैप्पी बर्थडे टू यू, अबे दिवाली का जिंदगी में नहीं है सुकून, लेकिन अभी हमें चाहिए सुकून। क्या बात है, तालियां तालियां, वाह 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 सर, एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक और, सारे थोड़ा थोड़ा खाएंगे केक, ठीक है, तो थोड़ा इधर आके फेंक। क्या बात है, क्या बात है, सबको खिला दे, एक बंदा रह गया अपना डिलीवरी बॉय। कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी, अच्छा हो गया सर, हो गया, चल लग, ओ क्या बात है, तालियां 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 मारो, तालियां मारो, पूछ रहा अभी खा लेना, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। सो यहां पे देखो सभा लगी हुई है, और बताता हूं हो क्या रहा है, ये सारे लाए हैं गिफ्ट, और ये जो मैं पहन के बैठा हूँ दिखा तो दिया ही था आपको, ये भी कपड़े सारे, आज के सारे कपड़े हमारे अपने नहीं है, स्पॉन्सर बाय मोनिका, क्या बात है, तालियां तालियां। और अभी जो गिफ्ट खोला जा रहा है वो है ये दोनों की तरफ से, कोहिनूर एंड मुकेश, ये देखो ये धूप लाया और है डियो, ओ एक स्मेल आती मेरे से, नहीं नहीं सर, है? है? सही में डियो तो वही बंदा देता है, उसको पता, उससे स्मेल आती इसको डियो दो, अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारा खत्म हो गया, हाँ सही गल है, मैं जस्ट अभी ना यही वाला सेम मैं यूज करता हूँ, रेडी यूज करता हूँ, और मैं ना लगा के अभी इसको बोल रहा था, मैं कहा यार ये भी खत्म हो गया,
और देखो नया आ गया हमारे पास है और ये टी शर्ट्स लेके आया है, जर्सियां बढ़िया बढ़िया वाली जैसे हम लोग पहनते हैं, मतलब मैं पहनता हूँ ज्यादातर। 1 2 नाइस। ये उकला लिखा ओए तो इसकी शक्ल है सेम। गाइस चेक करो, चेक करो, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। और ये तीसरी, तीनों तुम ही लाए? हाँ जी। थैंक यू सो मच, मतलब अब मेरे को कपड़े खरीदने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भी हो गए। हाँ, ये देखो फायदा देखो कितना ज्यादा है ना, बर्थडे का फायदा होता है इतना किसी को? इसका साइज सबसे ज्यादा नीत डालने वाली ये है मेरी टी शर्ट। सर ये वैसे अच्छी है तो पहननी है, पर ये मिलेगी नहीं तुझे। सर देखो आपने को मार देनी है। तू उस दिन ब्लैक टी शर्ट लाई, मैं कहा मेरे लिए लाएगी। सर वो साइज भी नहीं आता है कपड़े। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कपड़े खुलने हुए। ओए सच, मैं पढ़ रहा था इस पे लिखा क्या हुआ, कन्नव कैंट कपड़े। ये किसका है, कौन लाया ये, क्या सीन क्या है इस पे लिखा कन्नव कैंट कपड़े? क्या है मेरे गिफ्ट, ये ओपन कर रही है क्या है? टी शर्ट बैलेंस ही आगा। ओहो क्या बात है, सारा डोर जे तेन लगता शेर का लोमड़ी लगती है। अबे सुन लो, इस ब्लॉग में जिसने डोरजे की बेइज्जती करी ना देख लेना, नहीं तो कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। याद आ गया, अरे डोरजे कोई बेइज्जती नहीं करेगा डोरजे की। हाँ अच्छी है, मस्त है, बढ़िया। ये कौन लिया, सागनी? थैंक यू सागनी। निकर तो नहीं, निकर तो नहीं, निकर निकर ही है पक्का, निकर होनी मैंने पता लग गया। वो डाल के तुम गोवा जाना। निकर है, मैं समझ गया। इसके साथ मस्त लगेगा। हाँ अपर के साथ भी आपके, ये मैं डाल लूंगी, मेरे को आ जाएगा ये, मैं जजमेंट पे पहन के जाऊंगा फुटबॉलर बन जाऊं ठीक है, मैं डांस छोड़ दूंगा फुटबॉलर आज से, मैं सिर्फ ये कच्चे के कारण, एक कच्चे की वजह से मैं फुटबॉलर बन जाऊंगा। बाबा योगी की तरह आज से तू ये। चलो वो मोटी वाला भी दिखा दे। मोटी वाला कहाँ है? मोटी की तरह हैवी है। विंटर के लिए नहीं, मुझे लगता अगली बार लद्दाख यही पहन के जाना पड़ेगा। सही बात है, नहीं सही है, साइज तो तेरे जितना ही लग रहा है। ठीक है अपने यहाँ पे पहनेगी ना। पैंट वन पीस, सिंगल पीस वेयर। नहीं बढ़िया है, थैंक यू सो मच। सर ये चल मांगने वाले पहले देख लो, फायदे देख लो बर्थडे के, कपड़े इकट्ठे हो गए, शूज। रात को मैं इसको दिखा रहा था, मैं कहा यार ऑनलाइन देख रहा था और रेड टेप के मेरे को मस्त लग रहे थे, हाँ और ऑफलाइन पहुंच गए। नहीं बहुत मस्त है यार ये, और ये इनकी लुक भी बड़ी सही आ रही है। और मैं इसको रात को बोल रहा था, मैं कहा ये देख सेल चल रही ना उस पे फ्लिपकार्ट पे, मैं कहा ये देख बढ़िया मिल रहे हैं, सवेरे चक के ले आई। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको एक स्टोरी और बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ। और क्या सीन होता है, टीचर डे होता है, बर्थडे होता है, ये लोग क्या करते हैं, चॉकलेट्स लेके आते हैं। इनको पता लग गया। और जितनी चॉकलेट आती है ना, सारा सब इसीलिए तुम कोई ले, ये मार लेती है। और इस बार कोई चॉकलेट नहीं लेके आया। नहीं नहीं
चॉकलेट लेके आते थे बड़ी, इनको पता लग गया चॉकलेट सर को मिलनी नहीं है, सीधा जाएगी मैम के पास। फिर इन्होंने शुरू किया कि दो दो चॉकलेट लेके जाएंगे। पिछली बार तो दो चॉकलेट लेके देखे गया ना, पूछ दोनों किन्ने खादिया। ध्यान से देखिए इस शख्स को, मेरे बैग में पड़ी आधी अभी। सारे तेरे अर्गे थोड़ी होंगे कि आज खा के मरूंगा। आज जिंदगी आज की जिंदगी है, जितना खाना खा रहा आज ही मशीन सारी चला दूंगा। चुप करके तेरे हाथ। आज मेरे को इसकी ना शक्ल देख के याद आ गया, ये लाया था दो चॉकलेट आज। क्या सोचा तूने, मतलब तू मेरे लिए तो ले आया नहीं, मैम वास्ते ले आया। कहता सर तो सारे ने कुछ देना, मैं मैम वास्ते चॉकलेट लाई था, है ना। मेरे बर्थडे पे सारे मुझे पूरी गल नहीं सुनी रही, तुसी पूरी बोल और मैं बताऊंगी क्या क्या लाना है, कौन सा लाना है। पैरस हो गया यार, बोलना और साइट भी बता दूंगी कहाँ से ले। ठीक है, मैं बकवास मत कर। ठीक है जी, मतलब हमारे बर्थडे पे मैंने ही रूल बनाया शुरू से ही कि जब भी किसी का बर्थडे है कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दो, है ना। yes, हम इनके भी आते हैं, हम भी देते हैं, तभी हम लोग ले रहे हैं इतने गिफ्ट हैं। तेरे बर्थडे पे नहीं किसी ने दिया, कोई नहीं। ये तो बहुत ना इंसाफी हुई है इसके साथ। चॉकलेट देते हैं मैंने ऐसे, कोई नहीं देता। चॉकलेट यार कुछ मंगा लो, जो लाया था कुशल और उसको जाना था जल्दी, सो एक केक कट कर लिया एंड अभी बाकी जो केक बचे वो कट करने। इनको बोला केक इतने मत लाया करो, वेस्ट जाते। ये अंग्रेज आया, ये भी केक ले आया और बैठा देखो क्या कर रहा है। पबजी, बस पबजी जल्दी रहती है, उठ जा चल। कोई इन्ने केक ले आया यार, तू भी चॉकलेट केक ले आया, और ये भी चॉकलेट केक ले आया, दूसरा केक एक होर है। तीन किन्ने, तीन केक है, चार केक होर है, एक कटिया होया, ये काट दिया हुआ है ओदे अंदर एक केक। भाई क्यों इन्ने केक लेके आए यार, ये अच्छे है सर, ये भी काटा, एक घर पे काट के आया हूं, एक रात का कट गया, एक हजे कल जिम च कह रहे कटना। आज उन्होंने पता नहीं सीगा मेरा बर्थडे, जब तक पता लगा फिर मेरे को कहते रुक जाओ केक काटना है, मैं कहा मैं लेट हो रहा हूँ, कहते कोई नहीं कल काटेंगे। क्या हुआ के देखी, चार केक आए हैं, चारों चॉकलेट केक, सिर्फ एक रात को केक आया अलग। ये तो जैक ते ले आए होने पक्का, रोहित लिखे तो पता लग जाता, उस्ताद जी लिखा है ना वे, गोल्डी सर ते गोल्डी सर सेम भाई, मतलब मैं नाम भूल जाता हूँ अपना कि तुम भूल जाते हो, है ऊपर लिखा के लाए गोल्डी सर। सर लिखना पड़ता है, अच्छा फॉर्मेलिटी है, खानदान की रस्म है, किस पे लिखना ही पड़ेगा। केक तीनों देखो, इसकी शक्ल देखो, क्या हुआ तुझे, सेट हो गया। इन्होंने जी फास्ट फूड खा लिया और कोल्ड ड्रिंक पी के बोलती है अब नींद आ रही है। लो जी दो बंदे और आ गए, करण शर्मा एंड सिकंदर गुप्ता। बाल आए कदो, बाल बाल आए कदो, पिछे हो गया। हाँ हाथ नस, चल साइकिल तो गिर गया साइकिल तो। अच्छा तू की कह रहा है टोरजे का, मैं डोरजे नू देख देख के तरस आई जा रहा है, डोरजे नू के लग गए। चलो इनू
केक तीन दी जला दी। चलो कट कर लिए पहला। चलो जी एक मिनट आ गया। Happening birthday. Okay, ready. Chalo. 6-7 go. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Goldie sir. Happy birthday to you. So ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਕੈਬ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਸਿਖਾ ਦੋ आपने तो खाया नहीं किसी ने। आपके लिए